सर्कल की प्रॉपर्टीज इससे शुरू होती हैं। जैसे एक थ्योरम हम पढ़ते हैं कि समान चाप द्वारा केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगुना होता है, है ना। तो ये इससे एंगल बच्चे दोनों जगह का नाप के इस थ्योरम को प्रूव कर देंगे। फिर इससे जो है वृत्तखंड का कॉन्सेप्ट भी बता देंगे हम बच्चे को, और ऐसे जोड़ के हम ये दिखा देंगे कि वृत्त ये लघु वृत्तखंड है, ये दीर्घ वृत्तखंड है। फिर यहाँ पे हम दिखा देंगे कि देखिए लघु वृत्तखंड में बना कोण अधिक कोण होता है और दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण न्यून कोण होता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ से इसका हो जाएगा क्लियर। फिर इसी तरीके से अर्धवृत्तखंड में बना कोण समकोण होता है, ये भी इससे निकल आएगा। फिर इससे जो है चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी भी निकलेंगी, मतलब चक्रीय चतुर्भुज बच्चा समझ जाएगा क्योंकि जब चारों शीर्ष हों तो चक्रीय चतुर्भुज है, और कोई भी हम अगर चक्रीय चतुर्भुज बनाए तो इसमें समूह कोण का योग जो है 180 अंश होता है, ये भी जोड़ के निकाल देंगे। फिर इसके अलावा जैसे ये है समान चाप द्वारा समान जीवाएं बनती हैं, नाप देंगे ये, है ना। और समान जीवा जो है वो समान चाप द्वारा बनती है, ये वाली भी हमें निकल आएगी। फिर अगर वृत्त से केंद्र से इनकी डिस्टेंस हम पता करें, है ना, और फिर हम ये दिखाएं कि बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पे होती हैं, वो वाली थ्योरम भी हम इससे दिखा सकते हैं। केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है, वो भी निकल गया। बहुत सारी थ्योरम्स सर्किल की मैक्सिमम थ्योरम्स। थैंक यू मैम।